यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच 15 दिनों के लिए बंद हुए प्राइमरी स्कूल। 31 दिसंबर तक 14 जनवरी तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक बच्चों की रहेगी छुट्टी। यूपी के सभी बोर्ड के स्कूलों पर गाइडलाइंस लागू। नमस्कार साथियों, और सभी का हमारे इस न्यूज बुलेटिन पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बता दें कि 2023 की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां साथियों, 10वीं और 12वीं के छात्रों से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2023 की बोर्ड परीक्षा में कोरोना का साया मंडरा रहा है। ऐसे में कोरोना को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये बहुत अहम खबर निकलकर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि अगर कोरोना के कारण छात्रों को बोर्ड परीक्षा में संकट आता है तो छात्रों को उनकी पिछली कक्षा के नंबरों के आधार पर पास किया जाएगा। जी हां दोस्तों, 10वीं और के छात्रों से जुड़ी आज की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे देखकर छात्र खुशी से झूम उठेंगे। वही भारत के 10 राज्यों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी हो चुका है। आखिर किन किन राज्यों में लगेगा लॉकडाउन, जाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मामले बढ़ने के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों को पूर्ण रूप से बंद करने को लेकर आदेश जारी हो चुका है। देश में ठंड के साथ साथ कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी छात्रों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई है। मामले ज्यादा मिल रहे हैं, वहीं कुछ राज्य लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। कोरोना वायरस आने के बाद देश भर में होने वाली बोर्ड परीक्षा बाधित हो सकती है। कोरोना के मामलों को देखते हुए पिछले 2 सालों से छात्रों को बिना किसी परीक्षा के पास जा रहा है। वैसे में 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा पर संकट आ गया है। मामलों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस साल भी सभी छात्र बिना किसी परीक्षा के पास किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।